हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं स्प्राउट्स चाट। तो उसके लिए मैंने मूंग को 8 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। अब मैंने इसे इस तरह के होल वाले बॉक्स में इसे रख दिया है। अब ये अच्छे से स्प्राउट्स हो चुके हैं। ये देखिए, ऐसे बॉक्स में बहुत अच्छे से स्प्राउट्स होते हैं। इस बॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इस तरह के बॉक्स के और क्या क्या यूज़ेस होते हैं ये आप जानना चाहते हैं तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो हमने बता दिया है, वो भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्प्राउट्स चाट बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने स्प्राउट्स को हल्का सा पानी डालकर 1 सीटी के लिए रख दिया था। 1 सीटी में ही ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। ये देखिए, परफेक्टली कुक हो चुका है और पानी भी ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मैंने एक जो प्याज है उसे फाइनली चॉप कर दिया है, और उसके बाद मैं चॉप कर रही हूँ एक टमाटर बहुत छोटा सा, और एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये जो चॉपर है वो बहुत फाइनली चॉप करता है, तो जैसे उत्पम वगैरह हो तो ये सब में बहुत अच्छा काम करता है। तो अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर, पेपर पाउडर मतलब काली मिर्च पाउडर, और चाट मसाला पाउडर। अब इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ नींबू, 1/2 नींबू लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और टडा, ये हमारा जो स्प्राउट्स चाट है वो बनकर तैयार है।